स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 का फर्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है प्रूव करना है आपको। इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड को आप ट्राई कर लेना। 111 कॉलम वाइज ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉलम वाइज। इसमें से LHS ले लिया मैंने 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो अभी बात बताई थी, यहाँ पर हमें राइट साइड पर कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें हमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं RHS पर 3। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से आपको हमेशा और हमेशा कितने फैक्टर्स बनाने हैं, 2 बनाने हैं। कोई से भी 2 आप बना दीजिए, थर्ड फैक्टर ऑटोमेटिकली जब आप लास्ट में एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो वो आपके पास में आ जाएगा, अपने आप आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई से भी 2 बनाने हैं। मान लीजिए इधर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 4 हैं या 4 हैं, तो आपको 3 क्रिएट करने हैं, एक अपने आप आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 5 हैं, तो आपको 4 क्रिएट करने हैं, एक अपने आप आ जाएगा। तो वो जो क्रिएशन करना है, वो उसके लिए वही ऑपरेशंस हैं जो मैंने बताया, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर a माइनस बी चाहिए, a तो ये रहा, b ये रहा। अब इसको लेस ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, आप बताइए। नेचुरल सी बात है, ऐसे करेंगे। b माइनस सी चाहिए तो ऐसे भी ऐसे ही लेस करेंगे। c माइनस ए चाहिए तो इसमें से ही लेस, मतलब ये ऐसे लेस होगा। अब ये ऐसे लेस होने का मतलब क्या है, रो लेस हो रही है, कॉलम रो, कॉलम्स पर ऐसे लेस होते हैं आमने सामने, ये रो लेस हो रही है। मैंने लिखा है R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R3। ये एक फिनोमिनन बना लो, अपने ब्रेन में हमेशा फिक्स कर लो कि एक टाइम पर साइमल्टेनियसली 2 ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो इसमें से ये लेस हुआ 0 R1 माइनस R2, इसमें से ये लेस हुआ A माइनस B, इसमें से ये लेस हुआ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो पूरी R1 में से पूरी R2 लेस हो गई। ऐसे ही R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R3, R1 में से 1 लेस हुआ 0, बी में से सी लेस हुआ बी माइनस सी, बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर लेस हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 1 सी स्क्वायर आपका सेम रहेगा। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि जहाँ जैसे अब यहाँ से ए माइनस बी आप कॉमन लो, इस पूरे में से R1 में से 0 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए ब्रेन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कंसिडर कर सकते हैं, और इस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी कन्वर्ट कर सकते हैं, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन टेकिंग ए माइनस बी एस कॉमन फ्रॉम R1 एंड बी माइनस सी एस कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा 1 सी स्क्वायर। यहाँ तो मैंने वो कॉमन ले लिया, यहाँ पर 0 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, ए प्लस बी, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ बी प्लस सी, ये 1 सी स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 क्यों कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला, कैसे इंट्यूशन हुआ कि ये एक्सपेंड अलॉन्ग C1 ही होगा। मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपको किसी रो वाइज या कॉलम वाइज 2 जीरोज बनी हुई दिख जाएँ, ठीक है, चाहे वो ऐसे ऐसे दिखे, चाहे वो ऐसे ऐसे दिखे, चाहे वो ऐसे ऐसे दिखे, तो आप उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। इसके साइन याद करो, मैंने लिखवाए थे, ठीक है, 4.1 में प्लस माइनस प्लस। तो जो ये प्लस माइनस वाला है ये छोड़ दो, क्योंकि ये तो 0 से रिलेटेड है, प्लस 1 से एक्सपेंड कर दो। ये आपका ए माइनस बी इंटू बी बी माइनस सी, क्योंकि ये 0 ही बनाएगा। प्लस 1 ले लिए, 1 जिस रो में आ रहा है वो छोड़ दो, 1 जिस कॉलम में आ रहा है वो छोड़ दो, ठीक है, कॉलम रो वाइज वो वाली चीज़ छोड़ दीजिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, राइट साइड वाला डायगनल बी प्लस सी बन जाए, बी प्लस सी, बीच में माइनस होता है, ए प्लस बी को माइनस से करेंगे, माइनस से माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, सी माइनस से रह गया, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो गया सी माइनस ए, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड फैक्टर आ गया। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, जो बातें मैं आपको एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, वैसे ही बिल्कुल एज इट इज़ वे में आपको इन क्वेश्चंस में मिलेगी। इसको खूब प्रैक्टिस करो, ताकि आप इसको एक्सरसाइज को, इस मैथमेटिक्स को बिल्कुल एक गेम की तरह सीख लें, ताकि ये फॉर एवर आपको याद रहे, आपका इसमें इंटरेस्ट रहे, और आगे चलकर आप इसमें कुछ ऑनर्स वगैरह कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।